कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मॉडर्न सा, बहुत ही डिज़ाइनर साड़ी लेके आई हूँ, जिसे आप कैसे अच्छे से वेयर कीजिए। जैसे मुझे बॉर्डर वाला और थोड़ा हैवी लुक वाला चाहिए था, तो मैंने इसे ही लिया है, क्योंकि बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है और काफ़ी अच्छी साड़ी है ये। इसमें वर्क है, बॉर्डर है, तो मुझे बहुत सूट करता है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये हमने पेटीकोट पहन लिया है और इस पर हम फर्स्ट राउंड अच्छे से क्लियरली टक करेंगे। तो अच्छा है, हैंडली है, इसमें वर्क है, खूबसूरत भी लगती है, बॉर्डर भी है, तो मुझे बहुत इजी होता है इसको हैवी लुक वाली साड़ी में यूज़ करना या बॉर्डर में यूज़ करना, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा पसंद करती हूँ वेयर करने में। आप कोई भी साड़ी ले सकते हैं जिसमें मतलब बॉर्डर होना चाहिए, इस साड़ी के लिए बॉर्डर होना चाहिए जो कि अच्छा लगता है थोड़ा सा, चाहे वो साड़ी नेट की हो या कोई भी फैब्रिक हो, साड़ी का बॉर्डर रहेगा तो बहुत अच्छे से ना जो उसका डिज़ाइन है वो विजिबल होगा और बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमने फर्स्ट राउंड ले लिया है, वो हम इसे इकट्ठा करेंगे और इसकी प्लेट को बैक साइड से घुमाएंगे। ये हमने फर्स्ट टाइम इसे घुमा लिया, अब हम इसे एक बार और घुमाएंगे। हमेशा क्या होता है, हर साड़ी में एक ही बार घुमाते हैं, इसमें हम एक बार हम घुमा चुके हैं। तो मैंने इसका प्लेट्स बना लिया और देखा आपने, मैंने इसे दोबारा घुमाया है, तो ये दो बार घूमेगी। थोड़ा ध्यान देना है और बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीके से ईजी आराम से काफ़ी अच्छे से बता रही हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत स्पीड में पहन लेती हूँ ये साड़ी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके। पहले हमने इकट्ठा किया था साड़ी को, फिर हमने उसको एक बार घुमाया है, पल्लू जो हम लेते हैं, फिर हमने उसको दोबारा प्लेट्स बना के दोबारा घुमाया है। फिर हम इसको अपने नेक पे रख लेंगे कि हमें डिस्टर्ब ना करें, और हम इसको कमर के पास इसको टाइट करते हुए फिर इसको प्लेट स्टार्ट करेंगे बनाना। तो आपको मैं बहुत ही स्लोली स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से बना के अच्छे से शो कर रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत साड़ी है, जब ये बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक एक बॉर्डर जो है पूरा शो होगा, काफ़ी खूबसूरत है, स्लिम एंड ट्रिम है, फैटी भी होगा तो भी वो बहुत स्लिम ट्रिम लगेगा, कि काफ़ी जो फैट है ये कवर कर देता है, तो बहुत अच्छा लुक लगेगा। आप कितनी भी हेल्दी हैं या कितनी भी स्लिम हैं, सभी पे ये बहुत अच्छे तरीके से साड़ी यूज़फुल होगी। ये देखिए हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये साड़ी। आपका कोई भी साड़ी हो सकता है, ये कॉटन, बनारसी सिल्क या जॉर्जेट है या नेट है, कुछ भी आपके पास, जो भी साड़ी आप किसी से भी बना सकते हैं, पर उस पर बॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है। बन तो ये किसी भी साड़ी पे जाएगा, लेकिन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो आपने किसी भी बॉर्डर वाली साड़ी पे इसे यूज़ कर सकते हैं। कि प्लेट्स बना लेंगे हम, और प्लेट्स को आप थोड़ा सा गैप करके अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा खिल के आएगा। ये प्लेट ले लिया और देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल एक एक जो इसका डिज़ाइन है प्लेट्स में और एक एक जो ये जो इसमें गोल्डन वर्क है वो बिल्कुल अलग अलग खिल चुका है। ये मैंने इसे कर लिया है, थोड़ी थोड़ी आप कमर पे हल्की चुनेटे दे सकती है। देखिए जो मैंने ये कम लिया था, इसका जो सेकेंड राउंड मैंने सब भी हटाया है और फिर से मैंने इसे फर्स्ट राउंड किया है इसे। देखिए अभी हम साड़ी टक कर चुके हैं, ये देखिए फर्स्ट राउंड लिया है मैंने। यहाँ पे आप अच्छे से मेजर कर लेंगे कि टाइट आना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से टाइट आना चाहिए, मतलब जितना आप कंफर्टेबल फील करें तो टाइट आता है वहाँ पे अच्छे से, और दोनों साइड एक एक सेफ्टी पिन जाएगा वहाँ पे, उससे आपकी साड़ी हिलेगी नहीं, फिट रहेगी। आप बाहर जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके पास कोई भी हैवी साड़ी हो, चाहे वो आउट फैशन ही क्यों ना हो गई हो, पुरानी हो गई हो, फिर भी हैवी है, वर्क है, तो आप उसे इस तरीके से यूज़ कीजिए, इतना खूबसूरत लगेगा कि सभी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। देखिए जो मैंने डबल राउंड दिया था, अब मैं उसको हटा चुकी हूँ, अब वो सारी साड़ी की तरह सिंपल अभी एक ही राउंड है, जिससे हमारा सारी साड़ियों पे जाता है। हम इसको जो पल्लू है उसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे और एक सेफ्टी पिन लगाएंगे, जहाँ हम शोल्डर के पास सेफ्टी पिन लगाएंगे, अपना जो हाइट है पल्लू का उसे मेजर करते हुए हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। देखिए सेफ्टी पिन इस शोल्डर पे इसमें नहीं लगेगा, बट मुझे जहाँ तक चाहिए तो मैंने उसमें सेफ्टी पिन लगाई, शोल्डर पे नहीं लगेगा, ये लगेगा राइट और लेफ्ट साइड लगेगा चेस्ट पे। देखिए राइट और लेफ्ट साइड जहाँ पे ये आ रहा है, राइट लेफ्ट साइड आप लगा दें, वैसे नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो आप अगर डांस कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल खिंचकेगी नहीं, सही से फिट रहेगी। तो दोनों तरफ आप राइट और लेफ्ट साइड में एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। तो इसमें एक सेफ्टी पिन अभी लगा रही हूँ और इसको मैं घुमाऊँगी अभी साड़ी को बैक साइड से। देखिए सेफ्टी पिन लग चुका है, अब मैं इसको जो पल्लू है हमारा उसे भी अरेंज करके अच्छे से प्लेट में अरेंज करके वहाँ भी सेफ्टी पिन लगाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सेफ्टी पिन लगेंगी, क्योंकि ये बॉर्डर वाली साड़ी है और हैवी साड़ी है इसमें, और इसका जो डिज़ाइन है वो ही अच्छे से आएगा जब हम इसमें काफ़ी सारी सेफ्टी पिन लगाएंगे। तो दो लग चुकी है, अब ये तीसरी लगने जा रही है इसमें सेफ्टी पिन। अच्छे से आप अरेंज कर लें बॉर्डर और उसमें सेफ्टी पिन लगा दें।
देखिए एक दो तीन सेफ्टी पिन लग गई, अभी और इसमें सेफ्टी पिन लगेगी क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत है नहीं। तो मैं कभी भी सेफ्टी पिन नहीं लगाती हूँ एक दो से ज़्यादा, जिसका डिज़ाइन सेफ्टी पिन पे होता है सिर्फ उसी पे सेफ्टी पिन लगता है। देखिए ये अच्छे से हमने इसे अभी अरेंज किया है सेफ्टी पिन लगा के, तो साड़ी में जो भी मुड़ गई है बॉर्डर वगैरह जो भी है वो आप अच्छे से कैच कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आपकी जो पुरानी हैवी साड़ी है, आपकी शादी के टाइम की जो साड़ी हैं जो आप नहीं ज़्यादा पसंद करते पहनना, उन सब साड़ी को भी आप इस तरीके से यूज़ करें अगर, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे नहीं कि फेंक दीजिए या पुरानी हो गई है, आप उसको ऐसे यूज़ कीजिए, अलग अलग तरीके से उसे पहनिए, डबल साड़ी करके पहनिए शॉल में, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। कि इसको मैंने बैक साइड से घुमा के अपने राइट साइड राइट वाले शोल्डर से आगे की तरफ कर लिया है, इसलिए हमने सेफ्टी पिन लगाया था ताकि बहुत अच्छे से बिल्कुल प्लेट आए। आप एक राइट और लेफ्ट चेस्ट पे लगा लीजिए साइड साइड में राइट लेफ्ट सेफ्टी पिन, और ऐसे घुमा के देखिए मैंने तीन सेफ्टी पिन लगाया, मैंने राइट लेफ्ट नहीं लगा रखा है क्योंकि बिल्कुल ये टिक रही है, ख़राब नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको खूब डांस वांस करना है, मस्ती करनी है, शादी में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, या आपको मस्ती वगैरह करनी है तो आप राइट लगा लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होगा। राइट साइड लेफ्ट साइड आप लगा लीजिए इसके पास। ये तो मैंने सिर्फ अभी तीन सेफ्टी पिन लगाया है, मैं अभी इसमें एक और सेफ्टी पिन लगाऊंगी नीचे की तरफ जो बॉर्डर है। ये देखिए चार सेफ्टी पिन है इसमें, शोल्डर पे सेफ्टी पिन नहीं लगता है इसमें, और थोड़ा सा शोर हल्का फुल्का आ रहा है आवाज़ क्योंकि बच्चे वगैरह बहुत है हमारी गली में, तो खेलते रहते हैं वो बाहर क्योंकि बच्चे घर में तो रहना नहीं चाहते रहते हैं, तो प्लीज़ वो शोर अगर आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। देखिए ये जो ऐसे एक राउंड लिया है और उसका जो बॉर्डर है वो ऐसे राइट साइड से शोल्डर से आगे की तरफ आ गया, चार सेफ्टी पिन है इसमें आगे की तरफ। देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रही है, लेकिन अगर आपको बहुत डांस डांस करना है, मस्ती करना है, राइट और लेफ्ट साइड में सेफ्टी पिन लगा लीजिए दो, और हमने इधर की तरफ चार लगाए, तो ये टोटल छः सेफ्टी पिन है क्योंकि साड़ी सेफ्टी पिन से ही डिज़ाइन हो रही है। देखिए इसका जो बॉर्डर है एक एक बॉर्डर विजिबल हो रहा है, और कितना स्लिम ट्रिम खूबसूरत सा एक लुक दे रहा है आपको। बिल्कुल देखिए बिल्कुल थोड़ा फिस्कर टाइप में नहीं लग रहा डिज़ाइन, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप अगर चाहें तो अगर आपको हील पहननी है तो आप हील पहन के साड़ी पहनिए, वरना अगर आपको नॉर्मल है तो आप एक बार उसे पहन लीजिए, उसके बाद ही साड़ी पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बिल्कुल फ्लोट टच बन जाएगा अच्छे से। देखिए कितना खूबसूरत लुक लग रहा है, इसलिए मैं ये साड़ी यूज़ करती हूँ क्योंकि इतना प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, बॉर्डर हैवी वर्क है तो ये मुझे बहुत हेल्प कर देता है हर तरह का साड़ी को ड्रैप करने के लिए, इसलिए मैं इसको जो इस टाइप की अगर मुझे कुछ ज़रूरत होता है तो मैं ऐसा ही पसंद करती हूँ। अब मैंने इसे राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में रख दिया, उसके बावजूद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो वेलवेट या किसी भी टाइप का शॉल रख सकते हैं पार्टी में एक तरफ, कितना प्यारा लग रहा है। इसलिए मैंने अपना टॉप ही पहना है, फुल स्लीव्स है, कितना प्यारा लग रहा है, और वो पेटीकोट के अंदर है क्योंकि मुझे ठंड भी नहीं लगेगी, काफ़ी कंफर्टेबल रहूँगी मैं, और तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल मतलब। और अगर समर है फिर तो आप कुछ भी पहनिए, जो भी आपको पसंद है, बैकलेस, स्लीवलेस, या नॉर्मल जो ब्लाउज होते हैं वो, या टॉप को क्रॉप वगैरह करके, वो आपकी चॉइस है। लेकिन विंटर है तो आप इसमें पूरे तरीके से कवर है, आपको ठंड लगे क्योंकि साड़ी बिल्कुल आप में और पूरा कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि आपको ख़राब लग रहा है। आप कोई भी ज्वेलरी पहन सकती है, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न, किसी भी टाइप की ज्वेलरी पहन सकती हैं आप, पर्स, बैंगल्स, आपको इसे शॉल रखना है, दुपट्टा रखना है, कुछ भी आप इस पर रख सकते हैं। इसमें आप सर पे साड़ी का पल्लू तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको सर पे लेना इम्पॉर्टेंट ही है तो आप कुछ और दुपट्टा वगैरह कैरी कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन ये लुक इतना प्यारा लुक है, देखिएगा ये देखिए एक बॉर्डर विजिबल हो रहा है और इतना खूबसूरत लुक लग रहा है। देखिए बॉर्डर हो या साड़ी हो, सबका लुक बहुत अच्छा आया, बैक साइड से भी बहुत अच्छा लुक है इस पर। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी मैं आपके लिए अलग सा बिल्कुल हट के लुक लेके आती हूँ, बहुत खूबसूरत है। आप इसे राइट साइड रखिए या लेफ्ट साइड कर दीजिए, दोनों में ये बहुत प्यारा लगेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सारी वीडियोस आपके पास आ जाएगी। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हम लोग नए हैं तो सपोर्ट है, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सारी वीडियोज़ देखते रहिए।